तो एक बार फिर बज जाते हैं सुबह के 6:30 और हम लोग निकल जाते हैं बोरिया बिस्तर बांधकर गांव की ओर। चार चूड़ी की गाड़ी ना होने के कारण हम 3 टायर की गाड़ी में ही जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। सुबह दुकान बंद होने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लॉकडाउन लगाओ। टीसी को 800 रुपये ना देने पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पर 150 रुपये का दान कर देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें मिलता है यहाँ पर ट्रेन का एक लावारिस डिब्बा, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है। फाइनली मम्मी ने भी भोपाल के रहवासियों को बाय बोल ही दिया। स्टेशन पर पहुँचते ही हमें यहाँ पर अपने पहचान की एक आंटी मिल जाती है, जिन्हें बीना तक ही जाना था, जो कि काफी था। ओनली 5 मिनट का वेट करने के बाद यहाँ पर हमारी जो है वो ट्रेन आ जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर भीड़ भी नहीं थी। अंदर जाते ही अभी ऐसा लग रहा था कि शायद हम गलत ट्रेन में आ गए हैं, क्योंकि इस ट्रेन में इतनी शांति कभी नहीं होती, और इस ट्रेन में विंडो सीट मिल जाना यानी किस्मत का साथ होना। तो फाइनली कौवा कटिंग को सुधारते हुए हम लोग अपने सफर को प्रारंभ करते हैं, और पूरा 1 घंटा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन हवा में चलने लगती है। क्या बात है, 50 किलोमीटर चलते ही ये ट्रेन 1 घंटे के लिए पिट जाती है, जिससे भारी गर्मी का सामना करना पड़ता है और हमारी हालत कुछ इस तरह खराब हो जाती है। इन अंकल को बंदर की तरह लटका हुआ देखकर आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी में कितनी भीड़ होगी। तो फाइनली कई जोखिमों का सामना करने के बाद हम आखिरकार बीना पहुँच ही जाते हैं। लेकिन अभी परेशानियाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें अभी दूसरी ट्रेन भी पकड़नी थी मुगावली के लिए, और उस ट्रेन में सीट मिलना नामुमकिन सा था। दोस्तों, इस ट्रेन के लिए हमें 500 मीटर दौड़ना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रेन बस छूट ही गई थी। बड़ी मुश्किल से भागते भागते पकड़ा है, हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। अब इन कन्याओं के साथ हमें 50 किलोमीटर का सफर तय करना था, जो कि खड़े खड़े करना था। उसके बाद हम पहुंचेंगे अब मुंगावली। तो चलो मिलते हैं मुंगावली स्टेशन पर। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं मुंगावली के रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर थोड़ा पानी वानी पीकर विश्राम करके हम लोग चलते हैं गाँव की तरफ। फाइनली हमें यहाँ पर छोटे मामा की तरफ से एक स्कूटी प्राप्त हो जाती है, जिससे हमें अभी 10 किलोमीटर का और सफर तय करना था गांव के अंदर जाने के लिए। स्कूटर चलाते चलाते हमें लग जाती है प्यास, जिसके चलते हम लोग एक नल पर रुक जाते हैं, जिसका पानी काफी साफ और काफी ठंडा था। फाइनली पूरा 6 घंटे समय बर्बाद करने के बाद हम पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें पहुँच जाना चाहिए था। घर वालों के मुफ्त में दिए हुए संस्कारों की वजह से हम यहाँ पर पैर पड़ने की रस्म भी पूरी कर लेते हैं, और कलश न होने के कारण लोटे में ही पैसा डालकर आगे बढ़ जाते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ मिलती है बहुत सारी आंटियों का ग्रुप, जो कि सब अपने में मगन थी और हम बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। तो चलो गाइस, सफर के साथ इस ब्लॉग का भी अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।